अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं इजाज़ रीजे। और आजकल सियासत की बात की जाए तो हर पार्टी अपने अपने वर्कर के साथ रबते बढ़ाने में मसरूफ़ है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपनी इत्तेहादी जमातों को इजलास की कॉल दी। अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो इमरान खान का कहना था कि अब तो वादे हो गया है कि लाहौर में किया जाने वाला मुहासरा मेरी अदालत हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए नहीं बल्कि मुझे जेल भिजवाने के लिए था ताकि मैं इलेक्शन की मुहिम ना चला सकूँ। दूसरी जानिब अगर बात की जाए इमरान खान के मुखलिस और करीबी साथियों की तो उन्हें भी दबाने और केसेस में फंसाने की साजिशें और कोशिशें जारी हैं। चौधरी परवेज इलाही के बेटे रासे इलाही और उसके अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। अदालत ने रासे इलाही, उनकी अहलिया मोनस इलाही और उनकी अहलिया की प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट्स और चौधरी बिरादरान के फ्रंट मैन कैसर भट्टी और आबिद भट्टी के अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म दे दिया है। अदालत में शरीक मुलजिमान की 10 अरब की अराजी जो तकरीबन 17,420 केनाल है उसको मुंजमद करने का हुक्म दिया गया है। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 3.5 अरब रुपए इनके अकाउंट से भेजे गए थे। रुकूम बेनामी अकाउंट्स और कंपनियों से भेजे गए हैं। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में चौधरी बिरादरान ने अरबों रुपये की जायदादें बनाई। प्रॉपर्टीज़ और बैंक अकाउंट्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत मुंजमद किए गए हैं। अदालत ने तमाम अकाउंट्स एफआईए के फराहम किए गए सबूतों के तहत ब्लॉक किए हैं और ये तमाम अकाउंट्स मुलजिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म होने तक फ्रीज रहेंगे। अब बात करते हैं जमान पार्क के मामले पर। तो इमरान खान का कहना था कि मेरी गैर मौजूदगी में पुलिस मेरे घर में दाखिल हुई, मैं उन तमाम पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा जिन्होंने ये फेल अंजाम दिया है। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।